आपके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि सीडीज, डीवीडीज, ब्लूरे डिस्क कैसे काम करती हैं और हम इन डिस्क पर इतना सारा डाटा कैसे स्टोर कर लेते हैं। तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको सीडीज, डीवीडीज और ब्लूरे डिस्क के मुतालिक ही बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दूसरी टेक्नोलॉजीज की तरह इस टेक्नोलॉजी ने भी बहुत तरक्की की है। जैसा कि शायद आपको याद हो, आज से 15-20 साल पहले बड़े बड़े रिकॉर्ड होते थे और फिर कुछ अरसे बाद कैसेट आई जिसे हम टेप में इस्तेमाल करते थे, और इसके बाद आई सीडीज जिसमें आपको वीडियो डाटा और ऑडियो डाटा इकट्ठा मिला। फिर आ गई डीवीडीज और आजकल लेटेस्ट ब्लूरे डिस्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बहुत से गाने, बहुत से फिल्म्स और बहुत से टीवी एपिसोड्स आपको एक ही डिस्क में मिल जाते हैं। जिस डिस्क का साइज है 12 सेंटीमीटर डायामीटर, एक नॉर्मल सीडी जितना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें पुराने रिकॉर्ड्स की, जिसे हम ग्रामोफोन्स में इस्तेमाल करते थे, जिसको हम कहेंगे मैकेनिकल डिवाइस। इसमें क्या होता था कि जो ग्रामोफोन्स के ऊपर वाली टिप होती थी वो मूव करती थी रिकॉर्ड के ऊपर नीचे, और फिर उससे हम साउंड सुन पाते थे। इसी तरह अब अगर हम बात करें कैसेट की, तो उसे हम कहेंगे कि मैग्नेटिक डिवाइस। इसमें क्या होता था, जो टेप का हेड था वो मैग्नेटिकली कैसेट में मौजूद फिल्म पर जो डाटा स्टोर किया होता था उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके रीड करता था और फिर उससे हमें साउंड सुनने को मिलता था। लेकिन अब हम अगर बात करें सीडीज की, तो इसे हम कहेंगे ऑप्टिकल डिवाइस, क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता आपकी सीडी या सीडी रीडर के दरमियान। ये नॉर्मली एक लाइट बीम से ही आपकी सीडी पर स्टोर डाटा को रीड कर लेता है और फिर आप आसानी से रीड डाटा को रिकवर कर पाते हैं। दोस्तों, अगर मैं उस वक्त की बात करूं जब सीडीज आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं हो पाती थी, या आप ऐसे कह लें कि उस वक्त की जब हर घर में कंप्यूटर नहीं था और हर इंसान आसानी से सीडीज को राइट नहीं कर सकता था, उस वक्त आप सीडीज को बाजार से खरीद सकते थे, खुद से राइट कर लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस वक्त ये सीडीज कैसे बनाई जाती थी? तो दोस्तों, आप कोई भी सीडी लेते हैं तो आपको उसमें मेन तीन चीजें नजर आती हैं जिनसे मिलकर सीडी बनी होती है। तो दरमियान में होता है एक प्लास्टिक का बेस गोल शेप में, और इस प्लास्टिक के एक तरफ लगा होता है लेबल और दूसरी तरफ लगी होती है एक एल्यूमिनियम की फिल्म, जिस तरफ से सीडी चमकदार होती है, और फिर सारी के ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग ताकि एल्यूमिनियम फिल्म खराब ना हो जल्दी। अब दोस्तों, जो दरमियान में प्लास्टिक की बेस है वहां पर लेजर की मदद से एचिंग की जाती है और उसमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं और किसी जगह पर नहीं बनाए जाते। अब दोस्तों, जहां पर ग्रूव्स बना वो हिस्सा नीचे दब गया और जहां ग्रूव्स नहीं बना वो फ्लैट रह गया। अब दोस्तों, जो हमारे पास एनालॉग फॉर्म में डाटा होता है उसे हम बहुत ही ज्यादा हाई सैंपल रेट की मदद से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सीडी बेसिकली डिजिटल फॉर्म में काम करती है, और इसको हम नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं 44 किलो हर्ट्ज पे, और इसे कहा जाता है सीडी क्वालिटी म्यूजिक। जब हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया तो मतलब कि हमने एक लंबी स्ट्रिंग बना ली नंबर्स की, 10101001110 ऐसे और नंबर्स की, और फिर लेजर एंड रीमिंग की मदद से उस प्लास्टिक के अंदर ग्रूव्स निकाल लिए, और जहां जहां पर जीरो आया वहां वहां एंग्रूविंग होता गया, और इसी तरह आपने स्पाइरल फॉर्म में शुरू से एंड तक अपना डाटा स्टोर कर लिया। तो दोस्तों, इसी तरह हर सीडी में डाटा स्टोर करने के बाद उस पर लगाई जाती चमकदार एल्यूमिनियम की फिल्म और फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग करके सीडी को तैयार कर लिया जाता है। ये तो तरीका था राइटिंग का। अब हम बात करते हैं कि राइटर कैसे काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक लेजर बीम के ऊपर थ्रो करेगा सीडी की तरफ, जो राइटर के ऊपर बहुत स्पीड से घूम रही होती है। तो जब लेजर बीम ऊपर से डीवीडी से टकराकर वापस आती है एल्यूमिनियम फिल्म की मदद से, तो राइटर के अंदर लगा होता है फोटो सेल। लेजर की मदद से फोटो सेल पता लगा लेता है कि सीडी में कहां पर जीरो है और कहां पर वन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पाइरल फॉर्म में एंग्रीविंग की मदद से ग्रूव्स और प्लेन दोनों जगह पर 1010 फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, और राइटर पता लगा लेता है लेजर की मदद से कि कहां पर जीरो है और कहां पर वन है, और इसके आगे लगा होता है एक डेक, और फिर उसकी मदद से आप सीडी में मौजूद डाटा
देख पाते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये बात कि अगर आपके पास एक मास्टर डिस्क अच्छे तरीके से बन गई तो आप बड़े ही आराम से उसकी कॉपीज बना सकते हैं। फिर एक और मेथड स्टार्ट हुआ बर्न का, तो ऐसे में सबसे नीचे प्लास्टिक की बेस जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, और उसके ऊपर लगाई जाती है एक डाई, और डाई के ऊपर लगाई जाती है एक एल्यूमिनियम की फिल्म। तो जब बर्न करने के लिए एक हाई पावर लेजर की मदद से उस डिस्क पर स्ट्राइक होती है तो वहां पर डिस्क में मौजूद डाई वहां वहां से जल जाती है या वो बर्न हो जाती है। तो ऐसे में जिस जिस जगह से डाई जल गई है तो जब आरपीएम स्पीड पर घूम रही डिस्क पर नीचे से लेजर बीम जाएगा तो उस हिस्से से टकराकर लेजर बीम वापस नहीं आ पाएगा, और जिस जिस जगह से डाई बर्न नहीं हुई उस जगह से वो डाई ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह काम करेगी और लेजर टकरा के वापिस आ जाए। तो ऐसे में हमारे घरों में जो सीडी राइटर थे उनमें हम अपनी मर्जी के गाने, फिल्म या कोई भी डाटा स्टोर कर लेते थे। इसके बाद एक और मेथड आया कि हम एक ही सीडी को बार बार बर्न कर लें, मतलब कि बार बार रीराइट कर सकें। तो इस मेथड में दोस्तों ना तो लेजर एंग्रेविंग काम में आ सकती है और ना ही डाई काम में आ सकती है। तो ऐसी सीडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया मेटल एलॉय। अब ये मेटल एलॉय में क्या होता था कि सबसे नीचे प्लास्टिक की बेस, फिर लगी होती थी एक एल्यूमिनियम की फिल्म और उसके ऊपर लगा होता था मेटल एलॉय और फिर प्लास्टिक की कोटिंग ताकि सीडी पर खराश वगैरह आने से कोई नुकसान ना पहुंचे। अब यहां पर जो मेटल एलॉय लगाया गया है वो कोई नॉर्मल मेटल एलॉय नहीं है, वो एक ऐसा मटेरियल है कि उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, या एक ऐसा मटेरियल जो एक साथ मल्टीपल फॉर्म्स में काम कर सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं कार्बन की तो ग्रेफाइट भी कार्बन है, ग्रेफीन भी कार्बन है और डायमंड भी कार्बन है। तो ऐसे में एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी कि हम जब चाहें एटम फॉर्म को तब्दील कर सकें और जब चाहें उसे ट्रांसपेरेंट बना। तो इसीलिए जब इस प्रोसेस में लेजर की पावर को हम तब्दील करते हैं तो मेटल एलॉय रिएक्ट करता है, इसीलिए हम जब चाहें हम उसकी एटम फॉर्म को तब्दील कर लेते हैं और जब चाहें उसे ट्रांसपेरेंट बना लेते हैं। इस बेस पर बन पाई रीराइटेबल डिस्क जिसमें हम जब चाहें जितना चाहें डाटा स्टोर कर लेते हैं और जब चाहें पुराना डाटे को रिमूव करके न्यू राइट कर लेते हैं। अब हम अगर बात करें डीवीडीज की तो इसमें नॉर्मल सीडी से 7 गुना ज्यादा स्पेस होता है, या बात करें ब्लू रे डिस्क की तो इसमें डीवीडी से 6 या 7 गुना ज्यादा स्पेस होता है। मसलन ब्लू रे डिस्क 25 GB से भी ज्यादा होती है। तो ये कैसे बनाई गई? तो दोस्तों डीवीडीज या ब्लू रे डिस्क बनाने का तो सेम तरीका ही है, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया गया, मतलब कि इसमें बात करें एंग्रेविंग की या डाइस की या राइड की या बर्न की या रीड करने की, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी को तब्दील कर दिया गया, मतलब कि इतना बारीक कर दिया गया कि आप बिल्कुल डाटे को नजदीक 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 करके स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बात करें सीडी की तो इसमें इस्तेमाल होती है इंफ्रारेड लेजर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो ऐसे में जो डाटा आप रिकवर करते हैं वो भी बड़े साइज में होता है। बात करें डीवीडीज की तो इसमें इस्तेमाल होती है रेड लेजर लाइट और इसकी वेवलेंथ सीडी में इस्तेमाल होने वाली इंफ्रारेड से थोड़ी कम होती है और डाटा को हम नजदीक नजदीक करके स्टोर कर लेते हैं। बात करें अगर ब्लू रे डिस्क की तो इसमें इस्तेमाल होती है ब्लू लेजर और इसकी वेवलेंथ रेड लेजर से भी कम होती है, तकरीबन 450 नैनोमीटर, और ऐसे में हम डाटा को और ज्यादा नजदीक नजदीक करके स्टोर कर लेते हैं और जब चाहे वहां से रिकवर भी कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से इतना जरूर जान पाए होंगे कि सीडीज और डीवीडीज में डाटा स्टोर कैसे होता है, राइटेबल और रीराइटेबल क्या होती है, और आने वाले वक्त में सीडीज या डीवीडीज मार्केट में आपको नजर आएंगी या नहीं आएंगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।